हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पहेली किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम तारक मेहता की कुछ मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दिवाली के दिन जेठालाल अपने लिए कुछ पटाखे लेके आता है और जेठालाल उन पटाखे को सोफे पर रख कर नहाने के लिए चला जाता है। जब जेठालाल को थोड़ी देर बाद पटाखे के फूटने की आवाज़ें सुनाई देती है तो जेठालाल बाहर कमरे में आता है तो देखता है कि उसके पटाखे सोफे पर नहीं थे। तो जेठालाल को लगता है किसी ने उसके पटाखे चोरी कर लिए हैं और उनको जलाकर फोड़ दिए हैं। तो जेठालाल को कुछ बच्चों पर शक होता है जो कि लोग होते हैं गोली, टप्पू और गोगी। जेठालाल उन सभी को अपने कमरे में बुला लेते हैं और पूछने लगते हैं मेरे पटाखे किसने चुराए और किसने जलाए। तो सभी लोगों को जेठालाल अच्छे से देखता है और पता लगा लेता है कि इन तीनों में से किसने पटाखे जलाए। तो क्या दोस्तों, बता सकते हो इन तीनों में से फटाके किसने जलाए होंगे? तो आप इन तीनों को अच्छे से देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। दरअसल इन तीनों में से जेठालाल के पटाखे टप्पू ने जलाए हैं, क्योंकि अगर आप टप्पू को ध्यान से देखोगे कि उसके हाथ में एक माचिस है और उसके हाथ पर भी कुछ काला सा लगा हुआ है। इसका मतलब जब टप्पू पटाखे जला रहा होगा उस समय कुछ काला सा उसके हाथ पर लग गया होगा। इसका मतलब इन तीनों में से जेठालाल के पटाखे टप्पू ने जलाए। क्या दोस्तों, आपका यही आंसर था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम देखते हैं हमारी अगली और एक इंटरेस्टिंग पहेली को। एक दिन बबीता जी एक शॉप से 2000 रुपये चोरी कर लेती है और उसी शॉप से कुछ शॉपिंग करने के लिए अंदर चली जाती है और उस शॉप से वह 500 रुपये का कुछ सामान ले और उन्हीं 2000 रुपये को वह दुकानदार को देती है और दुकानदार 500 रुपये काट कर 1500 रुपये बबीता जी को वापस दे देता है। तो क्या दोस्तों, अब आप बता सकते हो उस दुकानदार को टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से सबसे पहले बबीता जी ने 2000 रुपये चोरी किए और उसके बाद में 500 रुपये का सामान भी खरीदा। तो आप अच्छे से सोचिए और मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। काफ़ी लोगों का आंसर 2500 रुपये यानी 2500 रुपये होगा, लेकिन आपका ये आंसर गलत है। दरअसल इसका सही आंसर 2000 रुपये ही होगा। क्या दोस्तों, आपने इस ज़बरदस्त पहेली को सॉल्व किया था? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार पधारे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो, जिससे आने वाली सभी न्यू और इंटरेस्टिंग पहली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारी अगली और एक इंटरेस्टिंग मजेदार पहेली को। तो दोस्तों, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए इस इमेज से कौन सी लड़की का नाम बनेगा। दोस्तों, इस पहेली को मैंने पहले भी आपसे पूछ रखा है, तो आप अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो आई होप आपने इस पहेली को सॉल्व कर दिया होगा। जिसने भी इस पहेली को सॉल्व नहीं किया है तो दोस्त, इस पहेली का सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर से जिस लड़के का नाम बनेगा वह नाम होगा मुसक प्लस कान बराबर मुस्कान। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताओ किस किस का नाम मुस्कान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारी अगली एक मजेदार और जासूसी पहेली को। तो फ्रेंड्स, अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए इस पिक्चर से इस डायनो की करेक्ट शैडो कौन सी बनेगी। तो आप अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। इस डाइनो की करेक्ट शैडो नंबर 5 वाली होगी। तो क्या दोस्तों आपने इस पहेली को सॉल्व किया था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारी अगली और मजेदार पहेली को। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने आपसे एक चैलेंज पहेली पूछी थी, ना मुझे इंजन की जरूरत ना मुझे पेट्रोल की जरूरत, जल्दी जल्दी पहेड़ चलाओ मंजिल अपनी पहुंच जाओ। तो फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर साइकिल होगा, जो काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। उनमें से कुछ लकी विनर्स के नाम सबसे पहले है रामराज गुर्जर, उनके बाद में है परमानंद महातो, उनके बाद में विनोद राठौरी और आखिर में ध्रुव कुमार। तो क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो आपको मैं एक चैलेंज पहेली पूछूंगा, उसका आंसर देते वक्त आपको चैलेंज पहेली लिखना होगा। और वो चैलेंज पहेली है, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है। तो दोस्तों आप सोचिए और मुझे अपना आंसर कॉमेंट करें। तो दोस्तों इस पहेली का आंसर देते वक्त आपको चैलेंज पहेली लिखने होगा, और हाँ इस पहेली का सही आंसर हम आने वाले अपकमिंग वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारी अगली पहेली को। तो फ्रेंड्स अब आप इन्हें ध्यान से देखिए, जिसमें एक और बबीता जी है तो दूसरी ओर जेठालाल, वो एक दूसरे को तीर से मारने के लिए खड़े है, और नीचे एक अजगर सांप है जो बबीता जी को डसने के लिए तैयार है। आप इन तीनों को अच्छे से देखना है और बताना है इनमें से कौन मरेगा। तो आप अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। मुझे लगता है इनमें से बबीता जी की मौत सबसे पहले होगी, क्योंकि वह अजगर बबीता जी को खाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है, और हाँ अगर जेठालाल उस अजगर को मार देता है तो बबीता जी भी बच जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे इन वीडियोस को भी आप एक बार से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।